हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो है पॉलिटी की सेकंड क्लास, और इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे टॉपिक हैं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है कहीं ना कहीं। तो आज सिंगल एक वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल, तीनों चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता तो इनके लिए अलग अलग वीडियोस भी बना सकता था, पर नो डाउट आपको पता है एग्ज़ाम अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। मुश्किल से मुश्किल एक महीना, डेढ़ महीना आपका, मुश्किल से मुश्किल शायद एक महीना बचा हुआ है, और इसमें हम लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी जितना जल्दी हो सके सिलेबस कवर कर लें और थोड़ा बहुत रिविज़न भी कर लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये तीनों टॉपिक एक साथ लेकर आया हूँ। नो डाउट हम लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया और बीच में कुछ टाइम के लिए हमारी क्लासेस बीच में पॉज भी हो गई थी, तो मैं इस चीज़ के लिए समझ सकता हूँ जो समस्याएं हमारी तरफ से आई, पर मैं चाहता हूँ कि आगे ये समस्याएं ना आए, इसलिए प्लीज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों भाई बहनों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ सकें और इन वीडियोज़ का फ़ायदा, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से शामिल हो जाइए। मेरा नाम है लोकेश सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आखिर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, निर्माण करने की पद्धति क्या थी, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, ये सारी बातें आज हम लोग फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात की जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले विचार कहाँ से आया? एक्चुअल में सबसे पहले ये विचार एक्चुअल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। जी हाँ, अगर आप लोग कहोगे सर हमने तो कभी सुना नहीं, तो तिलक जी के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में बात कही गई थी कि हमें अपना खुद का संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद एक बार गांधी जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, वहां पर इनके द्वारा संविधान की भारत औपचारिक रूप से एक तरह से बोला जाए अनऑफिशियली ये वक्तव्य दिया गया था जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन को लेकर बात की। फिर फाइनली इसके बाद आता है एक पर्सन जिसका नाम है एम एन रॉय जो थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की फॉर्मेशन की बात की। कब की थी? 1934 में। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, एक मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में सबसे पहले विचार रखा और कहा कि भाई हम चाहते हैं कि भारतीयों का अपना खुद का संविधान होना चाहिए जिसको वो लोग फॉलो कर सकें, जिसको वो लोग अपना सकें। भारतीयों की अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने इस बारे में बात कही थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए आप किसका नाम रखोगे यहाँ पे, एम एन रॉय का नाम रखोगे सामने, कि एम एन रॉय के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर यहाँ पे बात की गई थी। पहला जो सेशन हुआ था संविधान सभा का, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एक्चुअल में पहले कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के बाद ये सारी चीज़ें, पर अभी मैं एक फॉर्मेशन देने के लिए, एक स्टार्टिंग देने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कब? 9 दिसंबर को, 1946 को पहला सेशन होता है, और इस पहले सेशन में फाइनली ये जो भी औपचारिक चीज़ें होती हैं संविधान समिति के गठन करने के लिए, असेंबली को बनाने के लिए, जितनी भी औपचारिक ज़रूरतें थी उन सबको यहाँ पर क्या किया गया? पूरा किया गया। फाइनली इसके बाद शुरुआत होती है फॉर्मेशन की। अब समझ लो, सबसे पहले कैबिनेट मिशन आता है, जब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, तो इसी के साथ क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने बोला अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियंस हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हम लोग इंडिया को क्या आज़ादी देने की बात करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की बात करेंगे। आपको पता है अगस्त ऑफर, फिफ्थ मिशन, ये सब आए थे। फाइनली इंडियंस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बात अलग है कि हाँ अंग्रेज लगातार हमारे जो सिपाही थे, सैनिक थे, उनका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर रहे थे। बट स्टिल यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हम लोग एक आदमी को भूल जाते हैं, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ये वो पर्सन थे जिन्होंने एक्चुअल में अंग्रेज़ों को क्या मजबूर कर दिया आज़ादी देने की। अगर ये आदमी नहीं होता तो शायद आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल था। एक्चुअल में इन्होंने जो इंडियन फोर्स बनाई थी उस समय पर, INA जो बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी, उसका इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये नज़र आने लगा था। लगातार इंडिया में उनके अगेंस्ट अब रिवॉल्ट शुरू हो रहे हैं, उनकी खुद की बनाई हुई जो आर्मी थी उसमें लगातार क्या म्यूटिनिटी हो रही है इंडियंस के प्रति, तो वो इस चीज़ के लिए मजबूत थे। उनको पता था अगर इंडियंस का सपोर्ट चाहिए तो हमको इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पक्का इनको आज़ादी देनी पड़ेगी। तो फाइनली यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1946 में। जैसे ही कैबिनेट मिशन इंडिया पहुँचता है तो उसका काम होता है कि यहाँ पर क्या किया जाए, सभी इंडियन लीडर्स को एक साथ लाया जाए और एक साथ लाकर उन
के द्वारा क्या करवाया जाए, भारत के संविधान निर्माण की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए फाइनली। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है कैबिनेट मिशन के बाद। आई होप बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर सबको सीटें अलॉट करने की बात की गई कि जो भी इंडियन पॉपुलेशन है उसको क्या किया जाएगा, 10 लाख के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। और 10 लाख के हिसाब से डिवाइड करने के बाद उनको क्या की जाएंगी, सीटें डिवाइड की जाएंगी। इसमें प्रिंसली स्टेट्स के भी लोगों को क्या किया गया, पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। सीटों का जो डिवीजन था इसमें इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया, जो ब्रिटिश रीजन था, ध्यान रखना प्रिंसली स्टेट्स नहीं, जो ब्रिटिश रीजन था, ब्रिटिश एरियाज या ब्रिटिश जो रीजन थे उनमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि सीटों को डिवाइड किया जाए। किस हिसाब से, हिंदू, मुस्लिम और जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, मतलब जिसको हम लोग एससी एसटी बोल देते हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस जो बोलते हैं उस समय पर, और सिख, इन लोगों के लिए सीटों को क्या कर देगा, अलग से सेपरेट कर देगा। हिंदुओं को मैं अलग बता रहा हूँ, हिंदुओं के लिए कोई अलग से सीटों का निर्वाचन नहीं था, सिर्फ मुस्लिम एससी एसटी और सिखों के लिए था। तो बराबर सीटों को एलोकेट करने की यहाँ पर बात की गई, और किस हिसाब से, 10 लाख पर एक सीट रखी गई, 10 लाख लोगों पर, 10 लाख पीपल्स पे 1 सीट का यहाँ पर क्या प्रावधान रखा गया था। फाइनली ये सीटों के एलोकेशन के बाद यहाँ पर 1946 में इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन से पहले तक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब यहाँ पर बनाई गई, तो उस समय तक यहाँ पर जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 389 टोटल मेंबर कितने, 389, जिनमें से 292 जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविडेंसी रीजन से, मतलब कि जो अभी मैं आपको ब्रिटिश एरिया बोल रहा था उसी ब्रिटिश एरिया से, कहाँ से, ब्रिटिश एरिया से। 93 जो मेंबर्स थे ये आए थे कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से, जो राजा और रजवाड़े थे उनके एरिया से। इसके अलावा कमिश्नरी रीजन से लोग आए थे, कमिश्नरी रीजन 4 थे, कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इन एरिया से भी 4 मेंबर्स आए थे जो ब्रिटिशर्स के थ्रू अपॉइंटेड थे। फाइनली इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद यहाँ पर सीटें डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, करीबन 73 सीट्स मिलती हैं मुस्लिम लीग को, ठीक है, और 208 सीट्स मिलती हैं, 203 कांग्रेस को मिलती हैं, मैं इसको चेक कर लेना, 203 या 208 है सर, और 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को। इसके अलावा 15 सीटें जो होती हैं ये जाती हैं किसको, नॉन अलाइड जो पर्सन थे, ठीक है, जिनको हम लोग निर्दलीय बोल देते हैं, निर्दलीय लोगों के पास चली जाती है। फाइनली ये सारा चीज़ें हो जाता है, पर मुस्लिम लीग यहाँ पे खुश नहीं होती। आफ्टर इलेक्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अपने आप को क्या कर लेती है, अलग कर लेती है, और मुस्लिम लीग बोलती है भैया हम तो अपने पाकिस्तान की डिमांड को लेकर आए थे, उसी के साथ रहेंगे, और हमें जो सीटें मिली उसके हिसाब से हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उससे बाइकआउट कर लेते हैं। मुस्लिम लीग ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया। जैसे ही मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से अपने आप को अलग किया, तो इसमें केवल कितने मेंबर रह गए, आप केवल 284 मेंबर रह गए थे। कितने रह गए थे, केवल 284 मेंबर्स रह गए थे। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, टोटल मेंबर 389, और जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो उसके बाद कितने मेंबर्स रह गए, क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान की डिमांड और पाकिस्तान के हिसाब से चीज़ें अलग हो गई, तो यहाँ पर जो मेंबर्स की सीटें रह गई वो केवल कितनी रह गई, 284 रह गए। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो टोटल सीटें थी, कई बार पूछा जाता है कितनी क्रिएटें आई, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी सीटें थी, 284। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। फाइनली आगे चलकर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारा प्रियम्बल बनता है, हमारी प्रस्तावना बनता है जिसे हम लोग कहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से ही बताया गया था कि भारत का जो संविधान है उसके क्या लक्ष्य होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, हमारे देश में जो सत्ता है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये सारी की सारी व्याख्या कहाँ पे की गई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कर दी गई थी, है ना। जैसे कि शुरुआती होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक्चुअल में किस चीज को दर्शा रहा है, ये एक्चुअल में दर्शा रहा है एक तरह से बोला जाए पावर को,
किसकी पावर? तो जो सत्ता है हमारे देश को चलाने का, जो तरीका है, उसकी पावर एक्चुअल में कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? इंडिया के लोगों में, भारत के लोगों में। हम लोग किस तरीके से लोगों को, मतलब सरकार को लेकर आते हैं, अपने जो इलेक्टेड मेंबर जिनको हम लोग कहते हैं, उनको कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं। तो ये क्या एक्चुअली पावर को दर्शा रहा है कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो सत्ता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो मेन पावर है, वो किसके हाथ में? भारत के लोगों के हाथ में। तो ये जो रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाया गया, ये एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी, उसका एक तरह से स्ट्रक्चरल एक फॉर्मेशन का एक ढांचा था, ये एक तरह जिसके ऊपर हमारा संविधान एक तरह से इस्टेब्लिश होता है, आधारित है। आई होप बात समझ आई। क्या फंडामेंटल था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको कहाँ से पता चलता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पता चलता है, जो आगे चलकर हमारा क्या बन गया? प्रेम्बल बन गया, हमारी उद्देशिका बन गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। प्लीज़ जल्दी से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर करना है भाई, जितना हो सके अपना प्यार दो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है? और प्लीज़ शेयर ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही, कमेंट ज़रूर करो, आपके कमेंट करने से मुझे पता चलता है। चलिए फिर यहाँ पे आता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो कैबिनेट मिशन आपको पता चल गया, M.N. रॉय ने सबसे पहले बताया, ये भी आपको पता चल गया, बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, उद्देशिका पता चल गई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर को यहाँ पर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग को यहाँ पर लीड करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जब इसको लीड करते हैं तो यहाँ पर जो भी औपचारिक चीज़ें होती हैं गठन करने के लिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन था, ये सारी चीज़ें उस समय पर होती हैं। और फाइनली दो दिन बाद, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है? और जो SC मुखर्जी होते हैं वो क्या बन जाते हैं यहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। और जो BN राव थे, इनको बनाया जाता है क्या? एडवाइज़र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एडवाइज़र बनाया जाता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना प्रारूप, जो पढ़ते हैं भारतीय संविधान का प्रारूप, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, एक्चुअल में उससे पहले एक रॉ, जो एक कच्चा, जो एक लेखा जोखा था तैयार, जो प्रारूप का जो तैयार था कच्चा, वो किसने तैयार किया था? BN राव ने ही तैयार किया था। एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद एंड उसके बाद SC मुखर्जी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे क्या फैक्ट है, ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। BN राव कई बार पूछा जाता है कि कौन था सलाहकार, तो आपको पता होना चाहिए BN राव वो सलाहकार थे। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ जाएं। फाइनली सीटों का एलोकेशन वो मैंने आपको बता ही दिया है, मुस्लिम को यहाँ पे दिया भी है कि कम्युनल हिसाब से यहाँ पे मुस्लिम सिख और इन लोगों के हिसाब से क्या यहाँ पे सीटों को प्रोविडेंसी में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा डिफरेंट जो क्लास थी उसको भी यहाँ पे क्या सीटें अलग से डिसाइड की गई थी। तो यहाँ पर ईच कम्युनिटी से क्या रिप्रेजेंटेटिव्स को लाने की कोशिश की गई थी, जो प्रिंसली स्टेट से उनसे भी, उनके जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनसे भी बोला गया कि आपकी तरफ से कौन वो पर्सन होगा जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है? उनके प्रधानमंत्रियों को जो थे या उनके जो सलाहकार थे उनको यहाँ पर लाया गया। अब इसके बाद आता है मेन जो कमेटीज थी भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसमें क्या लोगों की कमेटीज बनाई गई, उन कमेटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डाला गया, उनका काम था उसके ऊपर क्या एक प्रॉपर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और यहाँ पर एक्सप्लेन करना, ताकि उसके ऊपर बहस करके क्या किया जाए, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए ना बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चीज़ों को डाला जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो रूल एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी वो लीड करते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। स्टेयरिंग जो कमेटी थी, संचालन समिति जिसको हम लोग बोलते थे, वो भी किसके हाथ में थी? राजेंद्र प्रसाद। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी किसके हाथ में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी किसके हाथ में थी? जवाहरलाल नेहरू। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड फ्लैग कमेटी JB कृपलानी। ये थी मेन कमेटी। मेन जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटीज थी वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी सरदार वल्लभ भाई। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, पर मेन जहाँ पर पावर का एक्चुअल में जो यूज हमको देखने को मिलता है वो कमेटी सारी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में। फिर यहाँ पे सब कमेटीज भी आती हैं, कुछ सब कमेटीज कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो ट्राइबल एरिया था उसकी थी, गोपीनाथ भदौरिया के हाथ में।
फिर यहाँ पे आती है कौन सी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया जो थी, ये किसके हाथ में थी, ये ए वी टक्कर के हाथ में थी। फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थी ये किसके हाथ में थी, ये जे बी कृपलानी के हाथ में थी। एंड माइनॉरिटी सब कमेटी किसके हाथ में थी, एस सी मुखर्जी के हाथ में थी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया था, कमेटीज को डिसाइड किया गया था। वैसे तो ये पांच कमेटीज थी, एक और इसमें कमेटी जो शायद मैं यहाँ पे डालना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। खैर माइनॉरिटी की कुछ माइनर कमेटीज भी थी यहाँ पर। माइनर कमेटीज कौन कौन सी थी, फाइनेंशियल स्टेट स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लीड की जा रही थी, ठीक है। उसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा लीड की जा रही थी। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लीड की गई। ऑर्डर बिजनेस कमेटी के एम मुंशी के द्वारा। एडहॉक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग कमेटी जो होती है, बार बार मैं कई बार ये डाउट आता है, आप लोग कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किताबों में, वहाँ पे कई बार लिखा होता है राजेंद्र प्रसाद फ्लैग कमेटी, पर अभी मैंने आपको बताया जे बी कृपलानी और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, कौन सी है कमेटी, एडहॉक कमेटी। ध्यान रखना दोनों में फर्क है, क्लियर। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जी वी मावलंकर, ये वही पर्सन थे जो सबसे पहले हमारे क्या बने, लोकसभा स्पीकर बने। क्या बने हैं ये, लोकसभा स्पीकर बने थे पहले जी बी मावलंकर, ये वही है जी बी मावलंकर है। फिर इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। जब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी का ही मेन काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ को कहाँ पे डाला जाए, किस तरीके से ये काम करेगी, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ होगी और किस सिनेरियो में चलेंगी चीज़ें आगे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक फॉर्मेशन जो था उसको तरीके से लगाने का जो काम था वो किसका था, वो एक्चुअल में ड्राफ्टिंग कमेटी का ही था। और ड्राफ्टिंग कमेटी को कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, ड्राफ्टिंग कमेटी को यहाँ पे लीड करते हैं कौन, बताओ जल्दी से आंसर, नो डाउट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का पिता कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता भीमराव अम्बेडकर, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टोटल मेंबर कितने थे, 7 मेंबर्स थे। 29 अगस्त 1947 को क्या, इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या था, जो हमारा संविधान बन रहा है उसका कंप्लीट एक ड्राफ्ट तैयार करना था। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा भी है प्रारूप समिति को 6 महीने से कम का समय लगा था और कुल मिलाकर ये समिति 141 डेज के लिए बैठी थी, जिसमें इसने क्या किया, पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार किया था। तो इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे कर्ता धर्ता कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यंगर एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, एन माधव राव और उसके बाद टी कृष्णमाचारी, ठीक है, रिप्लेस्ड बाई डी पी केतन एंड यहाँ पर रिप्लेस्ड बाई बी एल मित्रा, क्योंकि इन लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीमार पड़ने की वजह से, इनकी जगह किसी और के द्वारा ले ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे टी कृष्णमाचारी की ने रिप्लेस किया था किसको, डी पी खेतान, और एन माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था, बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था। तो ये हो गए हमारे कौन, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। नॉर्मली आपसे भीमराव अम्बेडकर को लेकर ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं भारत का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है और भारत में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के अधिकार और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के अधिकार के लिए बात करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आज के टाइम पर हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में भी लेकर जा रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं अधिकारों को लेकर बात होती है तब यहाँ पर बात होती है, रिजर्वेशन को लेकर बात होती है तब कई बार बोला जाता है, पर अगर आप उस समय की कंडीशन को समझोगे तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी था उस समय पर लोगों को ये अधिकार देना। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, ठीक है, किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरीके से इतने बड़े बड़े लोगों का सहयोग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आई वो क्या आई कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे सामने आ रहे हैं, जितने भी लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठे हैं, ये सभी के सभी लॉ ग्रेजुएट थे। और ये सब के सब लॉ ग्रेजुएट थे, तो इन्होंने इस तरीके से भाषा को उसमें डाला, इस तरीके से चीज़ों को डाला
जो काफी हद तक कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि संविधान कहीं ना कहीं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे कारण यही था, उसकी जो लैंग्वेज थी वो बड़ी टफ थी। आज के टाइम पर कई बार हम लोगों को बहस करते हुए देखते हैं कि भारत का संविधान है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे देशों से इसको कॉपी किया है। दूसरी चीज़ की भाषा इतनी टफ है कि ये कहीं ना कहीं आम जनता तक नहीं पहुँच पाता, और यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें क्या वकीलों के आगे पीछे भागना पड़ता है कई बार चीज़ों को समझने के लिए, है ना। खैर जो भी खैर उस समय पर कंडीशन रही हो, पर फिलहाल हमारा जो संविधान है आज के टाइम पर काफ़ी अच्छा खासा, और एक कई कंडीशन में हमें लचीलापन देखने को मिलता है संविधान में, और कुछ जगह पर काफ़ी ज़्यादा टफ भी देखने को मिलता है संविधान हमारा। चलिए तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जरा इनको भी जान लेते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को, अब यहाँ पर अगर आपको ये डेट याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद होती है सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एन सी मुखर्जी यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। फिर होती है 13 दिसंबर 1946 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आगे चलकर हमारा क्या बना, उद्देशिका बनी, हमारा प्रैम्बल बना। उसके बाद आता है यहाँ पे 22 जनवरी 1947, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। उसके बाद आता है 22 जुलाई 1947, यहाँ पर जो इंडिया का नेशनल फ्लैग था उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 इस समय पर क्या नेशनल एंथम को एक्सेप्ट किया गया। इससे पहले तक हमारा नेशनल एंथम क्या था, वंदे मातरम, क्या था, वंदे मातरम। और 24 जनवरी 1950 के बाद यहां पर कौन सा बन जाता है, जनगण मन बन जाता है। क्लियर, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा, आपको बताना है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, हु रोट द वंदे मातरम, कौन थे इसके राइटर। चलिए तब तक आगे देखते हैं, जब तक आप लोगों का आंसर आता है, जितने लोगों का आंसर आएगा मैं खुद यहाँ पे कमेंट में उन लोगों को बताऊंगा कितने लोगों का आंसर सही है। आगे देखते हैं, जनवरी 24 जनवरी 1950 फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जिनको इलेक्ट किया जाता है। एंड फिर यहाँ पे आता है 24 जनवरी 1950 फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पर होता है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसको फाइनली यहाँ पे फाइनल सेशन होता है, और इस फाइनल सेशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कम्प्लीटली इम्पोज करने का, इंडिया के ऊपर लागू करने का काम फाइनल कर दिया जाता है। और जो डेट होती है वो क्या डिसाइड होती है, 26 जनवरी 1950। और जो बन के तैयार हुआ था, खैर वो डेट लिखी नहीं है, तो 26 नवंबर 1949 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, और इस समय पर 15 जो आर्टिकल थे, 15 जो आर्टिकल थे उनको क्या कर दिया गया, तुरंत लागू कर दिया गया। बाकी के जो आर्टिकल थे उन सभी को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये एक डेट हमारी यहाँ पर रह गई थी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आई होप चीज़ें आपके दिलों तक पहुँची होंगी, अगर आपको बात पसंद आई, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लिंगली वेंकटेश जो थे आंध्र प्रदेश के, इनके द्वारा क्या नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था इंडिया के, आज भी इनका परिवार क्या नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने का ऑफिशियल, जो एक तरह से बोला जाए ऑफिशियली जिनको ये काम दिया गया वो यही फैमिली है क्लिंगली वेंकटेश की। अभी आप लोगों को लास्ट ईयर देखने को मिला होगा, इनके पूरे परिवार को बुलाया गया था और सम्मानित किया गया था जब ये नेशनल फ्लैग डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे आता है एलिफेंट को क्या यहाँ पे सिंबल रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखोगे एक सर्कुलर फॉर्मेट है जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और बीच में जो एलिफेंट का फेस है वो आता है। फिर आता है यहाँ पे प्रेम बिहारी,
रजादार जिनके द्वारा इंग्लिश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। फिर यहाँ पे वसंत कृष्ण विधई आते हैं जिनके द्वारा हिंदी की कैलीग्राफी हिंदी में लिखा गया था इसे, ये नाम याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति थी जो आज भी हमारे पार्लियामेंट में रखी गई है, उस मूल प्रति को इंग्लिश और हिंदी में लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, कई बार पूछ लेता है ऐसी फैक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। प्रेम बिहारी एन वसंत कृष्ण विद्या, इन दोनों का नाम याद रखिए। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने आपको कल भी बताया था ये बात जब मैं आपको पढ़ा रहा था जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब भी मैंने आपको बताई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही अराउंड 200+ आर्टिकल्स लिए गए थे, ठीक है। अराउंड जब ये आया था तो उस समय पर 321 आर्टिकल्स थे इसमें, जिसमें से 200 आर्टिकल तो एज इट इज ले लिए गए, थोड़े बहुत चेंज कर दिए। तो इसे कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी माना जाता है, स्केलेटन माना जाता है, ढांचा माना जाता है भारत के संविधान का। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीय संविधान है ही नहीं, अंग्रेजों का संविधान है, जिसे हम आज भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन लेकर आया था, अंग्रेज लेकर आए थे ना, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे तो 100% ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पर हम लोगों ने उसमें क्या कहा, जहाँ पर ब्रिटिशर्स वर्ग था, इंग्लैंड था, क्वीन वर्ग था, वहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया प्रेसिडेंट, वहाँ पर हमने डाल दिया भारत सरकार, वहाँ पर डाल दिया भारत, ये सारे काम किए। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड है, अब इतना इनडेप्थ जाने की हमको भी वैसे ज़रूरत नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ भाई काफ़ी, क्योंकि अब उसके पीछे रीज़न भी था, हम लोग अराउंड 200 ईयर्स तक अंग्रेजों के गुलाम थे। उससे पहले इंडिया में जहाँ पर भी जो भी सत्ता हमको देखने को मिलती वो राजतंत्र था, राजाओं के द्वारा चला जा रहा था, और हमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्मेट लोकतंत्र हमको देखने को नहीं मिला। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमको लगा यार ये जो हमें एक ढांचा मिला हुआ है अंग्रेजों का, एक काम करते हैं इसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, शायद ये एक रीज़न रहा होगा संविधान निर्माताओं के पास कि उन्होंने क्या किया, उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवाना शुरू कर दिया। फाइनली देखते हैं यहाँ से क्या क्या लिया गया, तो फेडरल सिस्टम का फीचर लिया गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिया गया, एमरजेंसी की पावर्स यहाँ से ली गई हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें थी वो कहाँ से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। इसके अलावा वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई थी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, हमारा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिया गया यहाँ से, ठीक है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंटल इलेक्शन लिया गया, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, वो सिस्टम यहाँ से लिया गया। नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट, ये यहाँ से लिया गया, राज्यसभा में जो मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा उसके बारे में बात की जा रही है। टोटल 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी आगे क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया हम लोगों ने, हमारा संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके से संविधान बनाया जाता है, ये प्रोसेस हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वो यहीं से लिया है। एक पर्सन थे जिनका नाम था AV Dives, अब मुझे एग्जैक्ट डाइवसी शायद यही स्पेलिंग है, एक बार चेक कर लेना, सॉरी फॉर दिस अगर मिस्टेक हुई हो, AV Dives या Dives। तो इनके द्वारा ये रूल ऑफ लॉ दिया गया था कि जो भी शासन होता है ना राजा का होता है ना किसी व्यक्ति विशेष का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या जनता के द्वारा होता है, और जो देश के ऊपर कानून का ही क्या होता है शासन होता है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर क्या सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आया है। बाइकैमरल सिस्टम जो हम लोग देखते हैं, बाइकैमरल सिस्टम, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया। ऑफिस ऑफ CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया गया। महान्यायवादी, सबसे पहले ये जो आया था महान्यायवादी का, ये आया था काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था ये CAG वाला कॉन्सेप्ट। उस समय पर इंडियन सेक्रेटरी के हाथ में पावर होती थी CAG को बनाने की, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस का इंफॉर्मेशन यहाँ के लिए हम लोगों ने। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम यहाँ पे आता है। आप देखते हो ना इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में जुडिशरी कभी भी किसी को भी लताड़ देती है, भारत सरकार तक को खड़का देती है। तो इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसीलिए रात को 3 बजे भी अचानक से अदालत ओपन हो जाती है किसी की सुनवाई के लिए। फिर आता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये ऑलमोस्ट जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, इम्पीचमेंट जैसा होता है, पर रिमूवल ऑफ प्रोसेस कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया। फिर प्रेम्बल, जो आप पढ़ते हो प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सेम ऐसे ही प्रेम्बल कहाँ पर दिया गया, यूएसए में दिया गया, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करके। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहाँ से मिलता है हमको, यूएसए से मिलता है। क्या क्या इनके कर्तव्य होंगे, काम क्या क्या होंगे, फंक्शन क्या क्या होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बात करते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन वीमर नाम के एक सिटी में लिखा गया था। जर्मनी का एक सिटी है वीमर, इसीलिए उसका नाम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन पड़ गया। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी, ये यहाँ से लिया गया कि जब भी एमरजेंसी लागू होगी तो एमरजेंसी लागू होने पर फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा, सस्पेंशन कर दिया जाएगा उनका, ख़त्म कर दिया जाएगा उसका मतलब। अब आपको ये बताना है फंडामेंटल एमरजेंसी पर कौन कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अबॉलिश नहीं किया जाता। टू फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं वो जिनको यहाँ पे अबॉलिश नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है। कितने लोग बता सकते हैं आंसर? बहुत ही कॉमन आंसर है और कई बार एग्जाम में आया है। कौन कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको अबॉलिश नहीं किया जा सकता एमरजेंसी पर भी? आगे बढ़ते हैं, तब तक जब तक आप लोग आंसर करते हो, आंसर करने वाले को मैं खुद कमेंट करके बताऊंगा सही है गलत है। जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, मैं खुद बताऊंगा कमेंट करके। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जब लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट का समय कॉन्सेप्ट लिया। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब एक तो होती है आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो कहाँ पे लिया गया, डाल दिए कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए। पर इनकी जो मेन पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, यूनियन के हाथ में होती है। डिसीजन दोनों ले सकते हैं इसके बारे में, कॉमन कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है। पर यहाँ पे मेन जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, यूनियन के हाथ में। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन भी कहाँ से लिए गए हैं, यहीं से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। फिर आता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक जो स्टेट वाली जो फिलॉसफी है वो एक्चुअल में यहीं से ली गई है। जो सेंटर है उसके हाथ में पावर ज़्यादा दी गई। अगर ऐसा ना होता और हम अमेरिका जैसा करते तो क्या होता, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर आ जाती, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए बात करने लगते। अमेरिका में कोई स्टेट चाहे तो अपने आप को अलग रख सकता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर सकता है ना। इसीलिए वहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों को स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करने के लिए क्या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट्स के हाथ में पावर है, पर जो हमारा फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा है, फेडरल है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से फेडरल वर्ड यूज़ नहीं करें, क्योंकि मिला जुला कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग क्या कई बार फेडरल की जगह इंडिया के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा कोई वर्ड तो नहीं होता पर इंडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, क्वाज़ी फेडरल है ना। इंडिया के लिए क्या वर्ड यूज करें, क्वाज़ी फेडरल। फिर रेजोल्यूशनरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में, कोई और उनको ले ही नहीं सकता है, टेक ओवर ही नहीं कर सकता। स्पेशल पावर्स एक तरह से बोला जाए। फिर यहां पे आता है सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी टू द जुडिशरी। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसकी क्या एडवाइस करने की पावर, वो कहाँ पे दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से ली गई है। आई होप यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आता है यहाँ पे जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोसीजर टू इस्टेब्लिश द लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताया गया, प्रोसीजर टू इस्टेब्लिश अ लॉ। फिर साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ ली है, अमेंडमेंट की।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहीं से लिया। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल है ये, कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट का? एक केवल सिंगल एक आर्टिकल है बस अमेंडमेंट के बारे में, केवल एक सिंगल आर्टिकल है। जल्दी से बताओ कौन सा आर्टिकल है वो। आज क्वेश्चन भी लगातार आ रहे हैं आप लोगों के सामने, तब तक आप लोग आगे बढ़ते हैं जब तक आप लोग आंसर करें। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी यहाँ पे दिया गया कि इलेक्शन जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा। 6 साल का टेन्योर होता है आपको पता है, जिसमें से वन थर्ड जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, एवरी 2 ईयर। 1/3 मेंबर क्या हर 2 साल में चेंज होते हैं, तो हर 2 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन होता है राज्यसभा में। तो इलेक्शन आप लोगों को सुनने में नहीं आता, पर ये इलेक्शन जब होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR मतलब रशिया की बात हो रही है यहाँ पे एक तरह से। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बाद में ऐड किया गया था आपको पता होगा। फिर यहाँ पे आता है क्या, प्रेम्बल, प्रेम्बल में जो जुडिशियल का जो कॉन्सेप्ट, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट डाला गया, न्याय का जो सिद्धांत डाला गया, वो कहाँ से डाला गया, वो एक्चुअल में यहीं से डाला गया है, रशिया से लेकर। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें डाली गई हैं उनको लिया गया है। आई होप आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। मैं जितना ज़्यादा आसान हो सकता है उतना आसान तरीके से, उतना ईजी फॉर्मेट में आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जितना प्यार से आराम से मैं समझा सकता हूँ मैं उतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्या, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे किसके बारे में, हम भारत के लोग के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में। वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्लास में, किसके बारे में बताता है ये हमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हमें किसके बारे में बताता है। जब तक आप लोग यहाँ पे आंसर करो, जरा मैं एक घूंट पानी पी लूँ, जरा जल्दी से बताइए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ भाई, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके बारे में बताता है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा एक तरह से बोला जाए हमारी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का, उस डेमोक्रेसी की पावर, उस डेमोक्रेसी की पावर किसके हाथ में, पीपल ऑफ इंडिया के हाथ में, भारत के लोगों के हाथ में। किसके हाथ में, भारत के लोगों के हाथ में। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द सोलमनली रिजॉल्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। हिंदी में बोले तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ये बात आगे पढ़ेंगे, पहले इस बात को जान लेते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। पहली चीज तो पता चली हमें क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया बताता है हमें पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, लोगों के हाथ में, इसीलिए हम लोग लोकतंत्र शब्द इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं हम लोगों से सत्ता के बारे में। इंडिया में जो पावर का जो सिस्टम है उसका जो एक रूप कैसा है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसका रूप किस तरीके का है, सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम लोग कैसे देश हैं, हम एक ऐसे गणराज्य हैं जो लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी है और प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। हमारा देश का जो फीचर है, हमारे देश की जो सत्ता का जो स्वरूप है ना, पावर का जो फेस है या रूप जो है वो किस तरीके का है, वो सोवर्जन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। आई होप बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद
हमारी जो पावर है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर से यहाँ पे पावर या कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो वो है लोगों को क्या जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी देना। जस्टिस कौन कौन से लेवल पर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लेवल पर। लिबर्टी ऑन द बेसिस ऑफ थॉट, आर्टिकल 19 पढ़ते हो ना, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, वही फिर आ गई आपकी रिलीजियस वाली बातें यहाँ पर, है ना, फंडामेंटल राइट वाली चीज़ें एक तरह से बोला जाए तो। इक्वेलिटी की बात होती है, इक्वेलिटी की बात होती है, आर्टिकल 14 पढ़ते हो आप, 15 पढ़ते हो, वही चीज़ हो रही है, ऑफ द इक्वल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट द अमंग्स देम, लोगों में इसको फैलाना, प्रचार प्रसार करना एक तरह से। फ्रेटर्निटी की बात करती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की क्या डिग्निटी को हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, जो देश है उसकी यूनिटी को क्या, उसकी यूनिटी और उसकी इंटीग्रिटी को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रेम्बल में। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे बेटा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से ज़रूर पूछना, मैं बहुत ज़्यादा बेहतर फील करूँगा अगर आप लोग यहाँ पे सवाल करते हो बेटा, तो प्लीज़ ज़रूर पूछो यहाँ पे आंसर, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का आंसर करने की। जितने लोगों के कमेंट आएंगे उनको कमेंट में यहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे अगर कोई डाउट है तो। प्लीज़ आगे बढ़ें, फिर उसके बाद फाइनली डेट आ जाती है कि 26 नवंबर को हम लोग इसको क्या फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इसे एक्सेप्ट करते हैं एज आ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं, जिसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पर क्या सिग्नेचर किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन भारत का एक तरह से हमारा एक हमारे देश की मूलभूत एक रीढ़ की हड्डी की तरह से स्थापित हो गया, जिसके ऊपर हमारे देश का पूरा सत्ता चलती है, हमारे देश का पूरा एक ढांचा स्थापित है। यहाँ पर तीन वर्ड आते हैं, कौन कौन से, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लिए गए यहाँ पे पंथनिरपेक्ष वर्ड, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में। ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है इसी में जब चेंज किया गया, चेंज क्या किया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इसको कब जोड़ा गया, एंड सोवर्जन, इन वर्डों को कब जोड़ा, फैटर्निटी सॉरी वर्डों को कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, उससे पहले ये वर्ड नहीं थे। और सोशलिस्ट वर्ल्ड को लेकर आप लोग देखते होंगे कई बार, और सेकुलर वर्ल्ड को देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो विवाद होता है वो सेकुलर वर्ल्ड के लिए होता है, सबसे ज़्यादा जो विवाद होता है वो आपको इस वर्ल्ड के लिए देखने को मिलेगा आज के टाइम पर, कि इंडिया तो ऑलरेडी सेकुलर था, आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी जब इंडिया में इतने रिलीजन रह रहे हैं तो अलग से आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ना, किसी को अलग से टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बताया जाता है, इसी के बाद क्या इंडिया में एक तरह से टर्मिनल डिवीज़न करने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने, खासतौर से अगर देखा जाए तो इंडिया में मुस्लिम्स को लेकर ज़्यादातर इस तरह की स्थिति होती है। इंडिया में नो डाउट वर्ल्ड के अदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी बदौलत अगर हम लोग इंडिया के मुस्लिम्स की बात देखें तो यहाँ पर वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस इन्जॉय करते हैं, परंतु समस्या ये है कि इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे लिबरल नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार उनका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी, मैं चाहूँगा इंडियन मुस्लिम ज़्यादा पढ़े लिखे आगे बढ़ें, समाज में एक नए उजाले की तरफ पहुँचें, हम लोग खुद इस चीज़ को नोटिस करो, हमें इतने बड़े देश में मुश्किल से मुश्किल APJ अब्दुल कलाम केवल एक ही देखने को मिला, जबकि इतनी बड़ी आबादी है, आज के टाइम पर अराउंड मोर देन 25% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी केवल और केवल पूरे देश में एक APJ अब्दुल कलाम है। आई होप आप लोग बात समझ पा रहे होंगे, वहीं आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, कौन कौन से 14 यहाँ पे सिटीजन के लिए दिए गए, इंडियन सिटीजन को दिए गए, जो लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है सिटीजन के लिए वो क्या है, जस्टिस का है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी का है, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप के लिए, इक्वालिटी का, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्निटी फॉर द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर द नेशन, ठीक है, एक तरह से बोला जाता है जाए तो भाईचारा बढ़ाने वाली जो बात होती है ना, उसके बारे में बात होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है जो मैं आप लोगों को अलग से बताना चाहता हूँ, वो है यहाँ पर प्रेम्बल में जितने भी अमेंडमेंट हुए, तो कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं आप लोगों को पता होना चाहिए,
कौन कौन से इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर एक आता है कौन सा, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास, ये केस हुआ था कब, 1950 में। अब मैं जो आपको अमेंडमेंट बता रहा हूँ ये वही अमेंडमेंट मैं आपको बताऊँगा जो अमेंडमेंट एक्चुअल में किसके लिए हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी प्रेम्बल के लिए, किसके लिए हुए, प्रेम्बल के लिए। तो 1950 में हुआ सबसे पहले ए के गोपालन मद्रास वाला वर्सेस मद्रास स्टेट, कब हुआ है, 1950 में हुआ है। 1950 में ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये किसके लिए हुआ था, ये हुआ था प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द को लेकर, किसको लेकर, लोकतांत्रिक शब्द को लेकर, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को लेकर। लोकतांत्रिक शब्द को लेकर, और ये माना गया कि जो प्रस्तावना है वो क्या, संविधान की आत्मा है। यहीं पर क्या हमको ये सुनने को मिलता है, जो संविधान है वो, जो संविधान प्रस्तावना है वो क्या, संविधान की आत्मा है। यहीं पर इसे कहा गया था, सॉरी इसी समय पर इसके टाइम पर कहा गया था, द प्रेम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है बेरुबाड़ी की, बेरुबाड़ी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ये कब हुआ है, ये हुआ है 1960 में। और यहां पर क्या बोला गया, यहां पर बोला गया कि ये संविधान की आत्मा तो ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फॉर्मेशन करने वाले जो लोग थे, ये एक्चुअल में उन संविधान निर्माताओं के विचारों की पूंजी है। किसकी, विचारों की पूंजी। जो संविधान निर्माता हैं उनके विचारों की क्या बोला गया, इसको पूंजी कहा गया। आई होप बात समझ में आई होगी। फिर यहां पे आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट केस, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ये कब हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1973, इंदिरा गांधी के टाइम पर, कब हुआ है, 1973, इंदिरा गांधी के टाइम पर। यहां पर बोला गया कि की जो प्रस्तावना है उसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, मतलब क्या अमेंडमेंट इन प्रेम्बल, अमेंडमेंट इन प्रेम्बल, ये चीज कहां पे मानी गई, यहां पे मानी गई, केशवानंद भारती केस। फिर इसके बाद आता है एक और केस, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, LIC वर्सेस क्या बोलते हैं इसे, स्टेट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट, ये केस हुआ था, ये कब हुआ है, ये हुआ है इसका मैं ईयर भूल रहा हूँ, सॉरी इसका ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, जो ईयर याद आएगा तो मैं आपको कमेंट में लिखकर बता दूँगा। इसमें क्या माना गया कि जो प्रेम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एंट्रिंग पार्ट है, प्रेम्बल इज द एंट्रिंग पार्ट ऑफ, मुझे इसका वो याद नहीं आ रहा यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक बम्बई वर्सेस एक और केस हुआ था यहाँ पर, कौन सा, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, LIC वाले के चक्कर में इसका भी है, इसका ईयर है 1994 या 1995, ऐसी कुछ ईयर है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, यही है 1994-95 को ईयर है, ठीक है, देख लेना 1994 ही शायद यहाँ तक होगा, मुझे कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, LIC वाले के चक्कर में दिमाग से चीज़ें पड़ गई, कोई बात नहीं। खैर, तो इस केस में क्या बोला गया, इस केस में बोला गया कि जो प्रस्तावना है वो क्या, संविधान का भाग है। फाइनली इस केस में बोला गया क्या,
हमारी जो प्रस्तावना है संविधान का भाग, क्लियर? तो कुछ इस तरीके से यहां पर क्या चीजें चल रही थी। आई होप ये चीजें आपको पता चल गई होंगी, कौन कौन से अमेंडमेंट हैं, कहां कहां पर आए हैं। कई बार ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती रहेंगी। ये सारे के केसेस आप लोग यहां पे याद रखना, एके गोपालन वर्सेस मद्रास, बेरुबाड़ी के केशवानंद भारती, LIC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। ये सारे केस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर? तो जो भी अमेंडमेंट थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए बेटा। तो फाइनली ये तीनों टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, अगर टॉपिक पसंद आया है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे द्वारा किया गया काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का ये प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। एंड एक सोशल मैसेज जो मेरी तरफ से ज़्यादातर वीडियोज़ में देता रहता हूँ मैं, सेफ वाटर, सेफ सॉइल एंड सेफ ट्री। नो डाउट गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और आप लोगों को जब गर्मियाँ पड़ती हैं तब हमें हर साल याद आता है पेड़ बड़े कम हैं, पानी बड़ा कम है, उससे फिर बाकी पूरे टाइम हम लोग 6 महीने के लिए भूल जाते हैं सारी बातें। तो ये बातें हमेशा याद रखनी ज़रूरी है कि आपको अपनी मिट्टी को, अपने पानी को और अपने पेड़ों को ज़रूर बचाना है। तो फिलहाल इसी एक अच्छे से मैसेज के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।